दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर से बाधित बालको हेतु कक्षा प्रबंधन को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं बाधित बालको हेतु कक्षा प्रबंधन को। इसमें देखेंगे व्यवहार संबंधी प्रबंधन को। बाधित बालकों को कक्षा के सामान्य बालक स्वीकार नहीं करते, उन्हें व्यवहार संबंधी समस्या होती है, इसीलिए बाधित छात्रों के लिए व्यवहार कक्षा प्रबंधन करना आवश्यक होता है। बाधित बालक का व्यवहार में दो प्रकार की समस्याएं होती है, अनुपयुक्त कक्षा व्यवहार और साधारण कौशल। अनुपयुक्त कक्षा व्यवहार के अंतर्गत लड़ना, बहस करना, अपने स्थान से बार बार उठना, सौगंध लेना, दूसरों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाना, अपरिपक्व तथा अवांछित व्यवहार ये करते हैं। साधारण कौशल या अल्प अध्ययन निपुणता, इसके अंतर्गत अधूरे कार्य करना, पढ़ाई के दौरान कम ध्यान देना, निर्देशन के अनुसरण करने में असमर्थता, अध्ययन समय का जो है अल्प प्रबंधन करना। व्यवहार प्रबंधन के कुछ अधिनियम को देखेंगे। संक्षिप्त लक्ष्यों का जो है कथन, व्यवहार के शिक्षण योग्य छोटे छोटे घटकों में विभक्त करना, व्यवस्थित प्रबंधन की स्थापना, विद्यार्थियों को उन्नति को पहचानने के लिए आंकड़ों का जो है संकलन। संक्षेप में ये लक्ष्य वास्तविक, विशिष्ट तथा व्यवहारिक होने चाहिए। कार्य छोटे छोटे सरल रूप में विभाजित कर देना चाहिए। आसानी से पढ़े जा सकने वाला, छात्रों को निरंतर पुनर्वलन होता रहे। व्यवहार का प्रत्यक्ष संप्रेषण करना, औपचारिक व्यवहार का भंडारण, विशिष्ट छात्रों के व्यवहार में सुधार लाने हेतु प्रबंधन आव्यूह रचना, यह पता लगाना कि क्या वहाँ ऐसे विद्यार्थी हैं जो आसान रूप व्यवहार नहीं करते, यदि है तो वे आशाओं के बारे में जानते हैं और समझते हैं, उनमें व्यवहार हेतु आवश्यकता कौशल या निपुणता है। प्रशिक्षण व्यवस्था को चुनना तथा व्यवहार पर आधारभूत आंकड़े का संकलन करना, एक मध्यस्थ कार्यक्रम की आवश्यकता हेतु आंकड़े का जो है विश्लेषण करना, निश्चित करना कि क्या लक्षित व्यवहार वृद्धि या कमी करने की आवश्यकता है। जब विद्यार्थी शिक्षक द्वारा लक्षित व्यवहार कर रहे हो और उनका व्यवहार मध्यस्थता पर निर्भर न हो, तब भी आंकड़े का संकलन तथा रखरखाव करना चाहिए। नियोजन को कम करके अवरोधक को कम किया जा सकता है। छात्रों को आसान रूप व्यवहार संप्रेषित के लिए कुछ इस प्रकार के जो है कार्य करना चाहिए। कक्षा के नियमों की स्थापना, उपयुक्त व्यवहार का पुनर्वलन, निविदा का प्रयोग, प्रारूप का प्रयोग, अनुपयुक्त व्यवहार में कमी। कक्षा के नियमों की स्थापना, कक्षा के व्यवहार से संबंधित नियम ऐसे होने चाहिए जो अध्यापक द्वारा आसान रूप व्यवहार को प्राप्ति में सहायक हो। उपयुक्त व्यवहार का पुनर्बलन, छात्रों के अच्छा व्यवहार करने पर शिक्षक को चाहिए कि उसे प्रोत्साहन दे और पुरस्कृत भी करे। छात्रों से अच्छे व्यवहार की प्राप्ति हेतु अध्यापक को ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो। अध्यापक छात्रों के पुनर्बलन हेतु प्रविधि का भी प्रयोग करना चाहिए। निविदा का प्रयोग, यह अध्यापक और बड़े छात्रों के बीच लिखित समझौता होता है जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को कोई विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रारूप का प्रयोग, इसके अंतर्गत बाधित छात्रों को किसी अन्य व्यक्ति के अच्छा व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे बालक पर जो है बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अनुपयुक्त व्यवहार में कमी, सकारात्मक तथा विभिन्न पुनर्बलन आयामों के प्रयोग के द्वारा अनुपयुक्त व्यवहार को जो है कम किया जा सकता है। तो ये था बाधित बालकों हेतु कक्षा प्रबंधन। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें।